Hello students, good morning. Once again I welcome to you in the today's science class. You know that up to this time we study about the one mode of heat transfer, that is the conduction. मतलब अब तक हमने जो भी पढ़ा ना, अपना टॉपिक चल रहा था बेटा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में फर्स्ट नंबर हमने अब तक पढ़ा दैट इज कंडक्शन. कंडक्शन में हमने एक बात बता दी आपको, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी पार्टिकल जो है वो मूव नहीं करेगा, अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा विदाउट एक्चुअल मूवमेंट, उसको हम नाम देते हैं कंडक्शन. ये अपन पढ़ चुके हैं. यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये बात हम पढ़ चुके हैं. इसका मेन थीम यह है, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. और दूसरी बात हम पढ़ रहे हैं आपके पास, दैट इज कन्वेक्शन. थोड़ा बात को ध्यान से समझना, पहले डेफिनेशन बता रहे हैं आपको. द प्रोसेस, ये तो मैंने ओनली ऐसे ही जो पढ़ लिया उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है. डेफिनेशन पहले बता चुके हैं आपको. कन्वेक्शन की कंप्लीट डेफिनेशन हम बता रहे हैं आपको. द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन liquids and gases. By actual movement of particles, या यू पढ़ लें आप, by actual movement of particles is known as convection, is known as convection. यहां पर बात को ध्यान से देखना, ये होता है only in solids और ये होगा in the liquids and gases. Convection can take place in liquid and gases, but not in solid. Solid में convection process नहीं होगा. Not in solid. अगर कोई भी दो body हैं, दोनों solid हैं, तो उनमें conduction process से heat transfer होगा. अगर आपके पास liquid है, gases है, तो convection process से heat transfer होगा. This process takes place because particle of liquid and gases are free to move. अपने solid, liquid और gaseous state पढ़ रखी है. Solid के अंदर क्या होता है? Molecules are tightly packed. Liquid में क्या होता है? They are loosely held. और gases में क्या होता है? Free to move. देखना आप यहाँ पर position of molecules में क्या होता है? Tightly packed. किसमें होगा? In solid. Loosely held किसमें होगा? Loosely held in liquid.
or free to move. Free to move in gases. ये पोजीशन होती है जो आपने छोटी क्लासेज में पढ़ रखी है. तो ध्यान रखना, व्हाई डज कन्वेक्शन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड. सॉलिड में कन्वेक्शन क्यों नहीं होता है? तो उसका एक आंसर होगा, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. और कन्वेक्शन के लिए क्या चाहिए? लूजली हेल्ड होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है इसलिए. उसके बाद आगे हम बता रहे हैं, दीज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ट्रेवल टू द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एंड देयरफॉर कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड. अब उसके बाद हम एक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, टू शो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन प्रोसेस. कन्वेक्शन प्रोसेस के बारे में आई कैन रिमूव नाउ. यस, कन्वेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं बेटा. फर्स्ट वन, वी विल अरेंज वन स्टैंड इन द केमिस्ट्री लैब. ये सारा मीटर केमिस्ट्री लैब के अंदर होता है. इसमें ये आपके पास में एक स्टैंड होगा और इसमें हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क को अरेंज कर लिया. ये कांच का बना हुआ है और उसके बाद उसके अंदर हमने कोई लिक्विड फिलअप कर दिया, दैट इज वाटर. इतनी बात समझ में आ जाएगी. ये होगा वाटर और ये होगा यहां आपके पास में फ्लास्क और ये होगा इसके अंदर क्रिस्टल ऑफ, दैट इज द क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. क्रिस्टल ऑफ के एम एन ओ ओ, ये फॉर्मूला होता है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट का. आपको चाहिए तो याद रखना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिंपल ही स्पेलिंग लिख लें, पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम पर मैग्नेट, ओके. उसके बाद यहां पर हमने एक ट्राइपोड स्टैंड अरेंज कर लिया. यहां पर ये वायर गेज बना दिया हमने, इससे जो भी यहां पर बुनसेन बर्नर से जो हीट मिलेगी वो सब जगह पर फैलेगी. ये इस तरह का ट्राइपोड स्टैंड होगा, इसके नीचे बर्नर लगाया जाएगा और ये सारा अरेंजमेंट इसका होगा. ये होगा आपके पास ट्राइपोड स्टैंड, तीन साइड वाला, और ये होगा आपके पास बर्नर. किसी भी डायग्राम में ये बात आप जरूर लिखें कि ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है. टू शो द हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन प्रोसेस. कन्वेक्शन प्रोसेस ध्यान से देखना, ये तो मैंने आपको ओनली एपरेटस अरेंजमेंट बताया है. डायग्राम अगर आपको ध्यान है तो आप पूरी एक्टिविटी को आप बता देंगे. एक्टिविटी का क्या पर्पस है, क्या टारगेट है? टू शो हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन प्रोसेस. आपको बताना है कि किस तरह से हीट कन्वेक्शन प्रोसेस से ट्रांसफर होती है. फर्स्ट वी विल टेक ए स्टैंड एंड अरेंज व्हाट राउंड बॉटम फ्लास्क इन इट. ये गोल पीने वाला जो फ्लास्क होता है उसको अरेंज कर लिया और उसमें वाटर फिलअप कर दिया. उसके नीचे वायर गेज लगा करके ट्राइपोड स्टैंड के नीचे हमने एक बुनसेन बर्नर अरेंज कर दिया. अब जो वाटर है ना, इसको हमने चालू कर दिया बुनसेन बर्नर को और इससे हीट एनर्जी इसमें मिलना शुरू हो गई. उससे पहले हमने क्या डाल दिया इसमें? क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मूला होता है बेटा KMnO4. ये यहां से हीट एनर्जी
सब जगहों पर इस पॉइंट से निकल करके सब जगहों पर फैलती जाएगी। कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे कि इसका जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है ना, उसके क्रिस्टल यहाँ से ऊपर की तरफ उठते जाएंगे, फिर वापस से इधर आ जाएंगे इस तरफ भी, और ऐसा ही इस तरफ भी होगा। और फिर आसपास का बॉटम वाला वाटर पहले हीटेड होगा, हीटेड होने पर थोड़ा हल्का हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा, तो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर उठेंगे, उसकी जगह पर आसपास का कोल्ड वाटर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि एक सर्कुलर मूवमेंट बीच सेंटर से अपवर्ड जाएगा फिर डाउनवर्ड, मतलब इस तरफ से इस तरफ करंट डेवलप होगी और ये इस तरह से हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। एक बार बुक में देखते हैं क्या लिखा है। फुल टू थर्ड ऑफ राउंड बॉटम फ्लास्क विद वाटर, इसको टू थर्ड हमने फिलअप कर लिया, थोड़ा सा वाटर क्वांटिटी ज्यादा होगी इसमें, यहां तक लेना पड़ेगा हमें इसको। और उसके बाद क्या लिखा है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया और हीटेड कर दिया। वी ऑब्जर्व दैट पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन राइज, यहां से पर्पल कलर, जैसे आप पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे पर्पल कलर डेवलप करेगा, वो पर्पल कलर यहां से ऊपर उठेगा और प्लेस ऑफ हीट जहां से हीट मिल रही है वहां से, एंड मूव्स बिट अवे एंड देन मूव डाउन टू बॉटम ऑफ द फ्लास्क, मतलब यहां से हीटेड होकर ऊपर जाएगा, कूल होने पर वापस साइड से होता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा। कंक्लूजन क्या निकला, दिस शो दैट इन लिक्विड हीट इज कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ टू द अनदर बाय एक्चुअल मोमेंट ऑफ पार्टिकल दैट इज कन्वेक्शन। हाउ डज हीट ट्रेवल इन एयर, लेकिन अब ये तो हमने लिक्विड की बात कर ली, अब हम गैसेस की अगर बात करें तो उसके लिए दूसरी बात बता रहे हैं हम। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, आपको पता है स्मोक ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड अराइज, द एयर फ्रॉम साइड कम इट टू टेक प्लेस इन दिस वे एयर गेट हीटेड। एक मिनट के लिए बात सुनना बेटा, एक छोटी सी एक्टिविटी और बता रहा हूं। आपके पास में एक कैंडल है, हम बताएं ये तो हमने लिक्विड के बारे में बता दिया, अब गैसेस के बारे में। एक कैंडल है आपके पास, ये कैंडल चालू है, तो इसमें यहाँ क्या होगा, इसके आसपास जितनी भी ऊपर वाली जो एयर है ना वो गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो अगर आप अपने हाथ को इस जगह पर लगाते हैं ना तो ये आपको हॉटनेस की फीलिंग देगा, लेकिन साइड पर अगर आप अपना हाथ लगाते हैं तो वो हॉटनेस की फीलिंग नहीं देगा, बिकॉज हीट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो यहाँ पर लिखा है बेटा द हैंड अबोव द फ्लेम, मतलब जो हाथ आपने फ्लेम के ऊपर रखा है वहां तो हॉटनेस की फीलिंग होगी लेकिन साइड वालों पर नहीं होगी, क्योंकि जो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है ना वो बॉटम टू टॉप चलता है। द हैंड अबोव द फ्लेम फील हॉट बट द साइड कूल इन कंपैरिजन टू द टॉप, दिस इज द रीजन दैट द कन्वेक्शन प्रोसेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप नॉट द साइड वे। ओके, इन दिस वे वी कैन से दैट इज द कन्वेक्शन प्रोसेस फॉलो इन द लिक्विड एंड गैसेस। ओके, थैंक यू वेरी मच, टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। थैंक यू वेरी मच।